और क्या चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विष घोले अमृत में विष घोले खंडी दूना लिया ले खोटे कर्म तजेना ओ खोटे कर्म तजेना हेरा ब्राह्मण वो मर जो कभी संध्या हवन करे ना मांस खाए और मदिरा पीवे वेद और ग्रंथ पढ़े ना ओ वेद और ग्रंथ पढ़े हाथ उठा के बताना हाँ कुछ तो समझ में आ रहा होगा एक बार जोरदार ताली बजा के बताओ समझ में आ रही है तो माता बहने आपको आ रही है धन्यवाद सिंचाई विभाग से धर्मवीर जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं बहुत बहुत शुक्रिया सुनिएगा कर चुके हैं ऐसे ऐसे है ना आसाराम बापू राम रहीम बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो 2 दिन पहले ही महाबाबा जी बनते हैं और 3रे दिन कांड कर देते हैं हेलो हाँ जी नागर ओ दीपक यू बाबा जी बनेगा बाबा जी ने बदनाम कर ली है तू भी बनने के चक्कर में है क्या हेलो महाराज जी चिंता मत करो तेरी बात नीचे न हो रे हाँ
मैंने दादाजी ये बोला है कि हर संत महात्मा एक सा नहीं होता, क्योंकि हाथ में पांच उंगली है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। देखे सरपंच जी को मुझे आदेश मिल गो, तू चिंता मत कर। तू कहे सरपंच साहब न्यू कहे, तुमने देखे होंगे बाबा जी कैसे कैसे हैं जो जेलन में जा रहे भीतर। और क्या, उनने भी थारे जैसी ले डूबी। और क्या, हाँ सही कह रहा हूँ जी, गलत कह रहा हूँ? तो अब तू सुन ले, तेरा भी नंबर आ लिया। जब तक राम प्रसाद सरपंच साहब एक मिनट में बाबा पे कंठी बंद बामे, और देख कैसे कैसे बाबा आए हैं। जेलदार साहब कोई बिस्कुट बोट है, कोई दूध ते नहावे खीर खवावे है। जब तो एक मिनट में बाबा तंजो कहे बाबा बल बीबी ओ पैपो ओ पैदो चले बाबा को सत्संग है रो गुड़गावा। जब ते तो चैटकी बाबा की भभूतिया बंधवा लो गंडा। हाँ तू जा, तेरा भी नंबर आ जाएगा, वरना बैठ जा चुप। तब नहीं ले दी चकली हिंदुस्तान की जो एक मिनट में बहकावे में आ जा। हाँ इनते थोड़ा बच जाओ और अपने सास ससुर की सेवा कर ले, अपने माँ बाप की सेवा कर ले। वही मैं मेवा सही कह रहा हूँ जी, गलत कह रहा हूँ? अच्छा तू मतलब हमें सिख विद्या दे रहा है, बाबाजियों को बता रहा है? बाबा जी की बता रहा हूँ बात, मैं तो सही है अपनी जगह पे। तू मैं बता दूंगी। दूसरी कली के माध्यम से औलाद के बारे में बताया, बेटा बेटी के बारे में बताया कि घर के अंदर कैसे बेटा और बेटी होने चाहिए। कहते हैं ना कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा। आइए सुनेगा, एक बच्चा हो घर के अंदर वो भी माता पिता का नाम रोशन कर देता है अगर करने वाला होगा तो। सुनेगा दूसरी कड़ी में क्या कुछ लिखा है। मेरा बेटा वो मर जा ऐसा बाप कदी जो ना औलाद पढ़ावे, ना औलाद पढ़ावे। तेरा बेटी वो मर जाए जो दोनों, बेटी वो मर जाए जो दोनों कुल के दाग लगावे। भाई वो मर जाए भाई को जो गैरों पे पिटवावे, गैरों पे पिटवावे। बॉबी बघेल जी ने सुनाई थी कृष्ण सुदामा की, आज भी कृष्ण सुदामा की यारी और दोस्ती की मिसाल दी जाती है। ऐसा दोस्त मर जाना चाहिए जो दुख में अपने यार की सहाय ना करे। सुनेगा तीसरी कली के माध्यम से क्या लिखा। मर जा साहू कार वक्त पे जो ना देख पाई, जो ना देख पाई। मर जा रिश्तेदार सारे, मर जा रिश्तेदार सारे, बिगड़ी में
भाई छोड़े साथ मुसीबत में मर जाए सी दुष्ट लुगाई मरे जाए सी दुष्ट लुगाई ओ पति उठावे कष्ट रांड रे ए पति उठावे कष्ट रांड जो जोरों के सब डोले जुगल घोर भेई महान वर जो अमृत में विष घोले अमृत में विष घोले तो ये सच्चाई भी है थोड़ी बहुत तो लेकिन श्रोताओं ये बताया गया कि बंदे जो सुख चाहे इस जीव का तो चीज छोड़ दे चार कि बंदे जो सुख चाहे इस जीव का तो चीज छोड़ दे चार और चार कौन कौन सी चीज कि चोरी चुगली जामनी और पराई नार और चोरी कैद कराई दे चुगली कर दे खोर और घर लुटवा दे जामनी तो सर तरवा दे नार न्यू क्या दिया कि ये पर त्रिया पैनी छुरी ये तीन जगह से खाए कहां कहां से और धन लुटे जोवन घटे और लाज कुटम की जाए एक बार जोरदार ताली बजा दो बात अच्छी लग रही है ना सुनेगा अंतिम कली में पक्षपात की बात करे आपस में राड़ बढ़ावे आपस में राड़ बढ़ावे फिर वैद्य डॉक्टर मरे लोभ में जो भारी पाप कमावे मर जा ऐसा गुरु खास चेलो ते ज्ञान छुपावे चेलो से ज्ञान छुपावे भान मर जो अमृत में विष घोले अमृत में विष घोले बहुत बहुत धन्यवाद।